तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज यात्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा जो कंटेंट है वो भारत के इतिहास और पुरानी चीजों के बारे में होता है। वैसे तो भारत का इतिहास बहुत ही महान रहा है, इसको गौरव करना 100% बनता है। जैसा कि कहा जाता है किसी इतिहास को बनाने के लिए बड़ी सोच के साथ साथ बड़े कार्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक भारत का महान इतिहास लेकर हम आपके सामने हाजिर है जो मध्य प्रदेश जिले के रायसेन जिले के कुछ मुख्य पर्यटक स्थलों में से है, जिसे रायसेन का किला कहा जाता है। आइए दोस्तों हम हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं। आइए दोस्तों, ये जो हमारा रायसेन का किला है वो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और इसकी हम आधी से ज़्यादा दूरी तय कर चुके हैं। लगभग थोड़ी ही देर में हम रायसेन के किले पर पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रायसेन के किले पर। वो जो ऊंची पहाड़ी पर आपको दिख रहा है वो रहा रायसेन का किला, जो हमारे भारत का इतिहास का गौरव रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हम आइए दोस्तों, ये है किले के लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां। तो आइए दोस्तों अब हम किले के लिए ऊपर चलते हैं। आइए दोस्तों, ये जो किला है सन 1143 ईस्वी में बना हुआ है। इस किले की नींव उस समय के वर्तमान कालीन राजा रायसेन ने रखी थी। कहा जाता है उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम जो है रायसेन का किला रखा गया है। ये जो किला है लगभग समतल जगह से 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है दोस्तों, और ये जो किला है पूरे 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस किले में जो है चारों तरफ घना जंगल और वनस्पतियां है, और इस किले की सुरक्षा के लिए जो है लंबी ऊंची 5 किलोमीटर की दीवार बनाई गई थी जो चारों तरफ से फैली हुई है, जिससे कहा जाता है कि इसमें शत्रु जो है आसानी से प्रवेश ना कर सके तथा आक्रमण ना कर सके। और इस किले में जो है उस समय प्रवेश के लिए 9 द्वार हुआ करते थे तथा 13 बुर्ज हुआ करती थी, और समय के हिसाब से इस किले में जो है अब 3 ही द्वार जो है प्रवेश के लिए चालू है, जिसमें से 3 द्वारों के नाम है, एक चौपड़ द्वार, एक दिल्ली द्वार और एक गाड़ी द्वार। आइए दोस्तों जो सामने आपको जो दिख रहा है वो है चौपड़ द्वार। आइए अब हम इसके लिए प्रवेश करते हैं। आइए चलिए इस दरवाजे को खोलते हैं। ये दरवाजा जो जंग खाते का बड़ी मुश्किल से खुला हुआ है, तो बहुत पुराना है, यहीं से लगता है कि ये कितना पुराना इतिहास है इस किले का। आइए आगे चलते हैं। और दोस्तों इस किले में कई जगह है घूमने की, आइए हम उन जगहों के बारे में बताते हैं आपको, जिसमें से प्रसिद्ध जगह है अपनी एक बादल महल, जंजरी महल, कचहरी, पुरानी कचहरी
और सोमेश्वर महादेव मंदिर, ऐसी कई प्रसिद्ध चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों हम ये सब चीज़ें देखेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। आइए हम अब चलते हैं दूसरे द्वार की ओर, जिसे दिल्ली द्वार कहा जाता है। आइए दोस्तों, ये है इस किले का दूसरा द्वार, जिसे दिल्ली द्वार कहा जाता है। चलो आइए इस किले में, इस किले के दूसरे द्वार में हम प्रवेश करते हैं। आइए दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, इस किले का दूसरा द्वार है, जिसे दिल्ली द्वार कहा जाता है। हाँ। चलो आइए अब इस द्वार में हम प्रवेश करते हैं। आइए ये है दिल्ली द्वार, कितना बड़ा है और कितना मजबूत है। सोचो दोस्तों, उस समय कैसे बनाया गया इसको, कितना मजबूत और किस तरीके से बनाया। और ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो है सैनिक खड़े होकर यहाँ पहरा दिया करते थे, ताकि कोई इसमें प्रवेश ना कर सके। दोनों साइड सैनिक रहते थे, या फिर यहाँ पर मसाले लगाई जाती है उजाला करने के लिए। अब उस समय क्या होता होगा पता नहीं, बाकी देख सकते हैं ये द्वार कितना मजबूत, ये द्वार कितना मजबूत बनाया गया है, कितना ऊंचा है और कितना बड़ा है। दोस्तों ये दिल्ली द्वार है, और इसके ऊपर जो दो आपको मंजिलाकार की जो इमारतें दिख रही है, इन्हीं को बुर्ज कहा जाता है। इन पर जो है सैनिक खड़े रहकर निगरानी देते थे, ताकि यहाँ से जो है दूर तक का नजर आ सके कि कोई शत्रु इस पर आक्रमण ना कर रहा हो। आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आगे तीसरा द्वार प्रवेश करेंगे हम। तो दोस्तों ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है इस किले का तीसरा द्वार, जिसे गाड़ी द्वार कहा जाता है। आइए अब हम इसको प्रवेश करके आगे किले की ओर चलेंगे। आइए, बहुत ऊंची पहाड़ी पर है दोस्तों ये किला, जो है हम चलते चलते थक गए। नीचे देखिए कितना ऊंचाई पर आ चुके हैं हम, और यहाँ से कितना सुंदर नजारा है। लगभग हम 700 से 800 फीट ऊंचा चढ़ चुके हैं शायद, बाकी चढ़ाई बाकी है। आइए द्वार के ऊपर ब्रिज की तरफ चलते हैं हम। आइए, बड़ा खतरनाक डरावना सीन है, देखिए कितना खतरनाक। दोस्तों ये इस द्वार का सबसे बड़ा ब्रिज है, यहाँ पर जो है सैनिक पहरा दिया करते थे। यहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे, और यहाँ से देखते थे कि कोई शत्रु यहाँ पर आक्रमण तो नहीं कर रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। यहां से देखिए आप नजारा कितना सुंदर है, और उस साइड भी सैनिक रहते थे और इस साइड भी सैनिक रहते थे। आइए दोस्तों, कितनी प्यारी कलाकृति है, आप देख सकते हैं दोस्तों, उस समय का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जाए तो हम मान सकते हैं इसको। वो कितना प्यारा बनाया गया है, सिर्फ ये पूरा जो किला है दोस्तों, पूरा मलवा पत्थर से बना हुआ है। कहा जाता है इस पत्थर में जो है मिट्टी को मसल के पिघलाकर फिर इस पत्थर को इसमें लगाया जाता था। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, ये है स्तंभ, इसे जो है विजय स्तंभ कहा जाता है। ये यहाँ के राजाओं को विजय प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के बाद बनाया गया था, ये जो दर्शाता है कि यहाँ के राजा कितने पराक्रमी थे। आइए दोस्तों, इसमें घूमने के लिए वैसे तो बहुत सारी जगह है, अब हम बात करेंगे इस किले के सबसे प्रसिद्ध जगह की, जो इसमें है सोमेश्वर महादेव मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। आइए, ये है सोमेश्वर महादेव मंदिर, आइए हम इसमें प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों इसे ही सोमेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। ये जो मंदिर है, जब पुरातत्व विभाग के हाथ में आया था, तब इसे जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था।
कहा जाता है कि इस किले में ना तो पूजा होती थी, मतलब इस किले में जो मंदिर है उसमें ना तो पूजा होती थी ना कुछ होता था। फिर जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर एकत्र होकर इस मंदिर को खुलवाने के लिए एक गुहार लगाई, और जब यहाँ के जो वर्तमान के जो विधायक थे, वर्तमान में जो विधायक थे यहाँ के, उन्होंने फिर आकर सन 1974 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा रखी, और उसके बाद जो है ये मंदिर जो है साल में एक ही दिन महाशिवरात्रि के दिन खुलने लगा, और एक ही दिन इसमें जो है मंदिर खुलता है, और उसी दिन इस मंदिर की पूजा होती है, और इसमें बहुत बड़ा मेला लगता है उस दिन, किले में पूरे किले में बहुत सुंदर। आइए हम इस मंदिर के बारे में बताते हैं। ये जो शिवलिंग है सन 1974 में ही उस सब उस समय के वर्तमान विधायक ने इसकी स्थापना की थी, वरना इसको जो है मुगल शासकों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था, और इसको तोड़ फोड़ करके यहाँ पर जो है सामने जो आपको अभी हम दिखाएंगे इसके सामने मकबरा बना दिया था। तो ये दोस्तों सन 1974 में इस शिवलिंग की स्थापना की थी, और ये मंदिर केवल सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है महाशिवरात्रि के दिन। आइए दोस्तों, तो दोस्तों ये मधुबन तालाब है जो सोमेश्वर महादेव मंदिर के लेफ्ट साइड में नीचे की ओर बना हुआ है। तथा ये तालाब जो है बहुत गहरा बना हुआ है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और इस किले के बारे में और आगे यहाँ से जानेंगे। दोस्तों अब इस किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देखिए पूरा किला कितना जर्जर अवस्था में है और कितना डरावना सा लग रहा है। यहाँ पर पूरा जर्जर अवस्था में आप देख सकते हैं सामने से पूरा किला, बड़ा सुंदर नजारा है। दोस्तों इसे धोबी तालाब कहा जाता है, ऐसे यहाँ पर कई तालाब है, और कहा जाता है इनमें जो है पूरे साल पानी एकत्र करने के लिए यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जो उस समय का बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। आज के समय में तो नॉर्मल बात है, लेकिन उस समय होना बहुत बड़ी बात थी। जो आपको सामने दिख रहा होगा वहाँ से जो है पानी आता था इसके अंदर और एकत्र किया जाता है। ऐसे कई तालाब हैं, हम आपको बताएंगे कुछ तालाब और। यहाँ पर जो दिख रहा है ये पूरा जो है, ये जो आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं यहाँ पर पूरा गांव इसी किले के अंदर बसा हुआ था, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पर पूरे गांववासी रहते थे, उनके मवेशी सब चीज़ भी थे, खाना पीना सब भी होता था। दोस्तों अब हम यहाँ से बाहर की ओर चलेंगे इस महल से। दोस्तों ये धोबी महल और वो धोबी तालाब, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से शायद कहा जाए तो यहाँ से जो है कई प्रकार के रास्ते हैं जो गुप्त द्वार कहा जाए। देख सकते हैं आप ये कितनी छोटी गली है, यहाँ ये जो है गुप्त द्वार कहा जाता था। यहाँ से सिर्फ राजा रानी या उनके गुप्तचर निकला करते थे यहाँ से। उलझी और सुलझी बातों से घिरा ये किला, इतिहास के सिवा यहाँ कुछ ना मिला। दोस्तों ये है रायसन का किला, आइए हम इसके बारे में और बता दें आपको। दोस्तों ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर इत्रदान, रानी महल, बारादरी, पुरानी कचहरी सब यहीं पर स्थित है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है इत्रदान इकोसिस्टम साउंड इकोसिस्टम इसे कहा जाता है, और इसके अंदर ही रानी महल है और पुरानी कचहरी है। आइए हम दिखाते हैं। दोस्तों इसे कहा जाता है इत्रदान साउंड इकोसिस्टम, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों कि यहाँ कक्ष जो है इत्रदान के महल के नाम से भी जाना जाता है, संभवतः यह कक्ष श्रृंगार कक्ष की तरह प्रयोग किया जाता होगा। इसकी दीवारों पर बने अले चित्र रंग बिरंगी शीशियों को रखने के लिए प्रयुक्त होते होंगे, बहुत सी चीजें लिखी है दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों ये तोपे सन 1543 ईस्वी की है, इन्हें दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने इस किले पर युद्ध जीतने के लिए बनवाया था, जो आज भी ऐसी की ऐसी रखी है।
अपना इतिहास बताती है। और दोस्तों ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है रानी महल, और इसके बगल में जो दिख रहा है आपको जर्जर अवस्था में वो है झिंझरी महल। और अब यहाँ से हम बाहर की ओर जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए एक और तालाब कितना सुंदर कितना प्यारा है। इस तालाब को देखकर हमें एक किस्सा याद आया है। कहा जाता है कि इस किले के एक राजा के पास पारस पत्थर हुआ करता था। उस पारस पत्थर से किसी भी लोहे की चीज को छुआ देने से चीजें सोने की बन जाया करती थी। उसी पारस पत्थर के लिए इस किले पर कई बार आक्रमण हुए, और कहा जाता है तब उस समय के राजा जो है राजा रायसेन हुआ करते थे। तो दोस्तों कहा जाता है एक राजा ने राजा रायसेन से युद्ध करके युद्ध जीत लिया था। तो राजा रायसेन युद्ध हारने के बाद जो अपना पारस पत्थर है वो दूसरे राजा के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो पारस पत्थर जो है यही किसी किले में एक तालाब में फेंक दिया था। यहाँ पर बहुत सारे तालाब है दोस्तों। तो उस पारस पत्थर को पाने के लिए कई राजाओं ने कई तालाबों को खुदवाया है, ढूंढा है, लेकिन वो पारस पत्थर आज भी किसी को नहीं मिला है। वो आज भी राज का राज है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम बात करेंगे इस किले पर टोटल कितनी बार आक्रमण हुआ है। दोस्तों कहा जाता है इस किले पर टोटल 14 बार आक्रमण हुआ है, और आज भी ये किला उसी अवस्था में है। एक इसमें से एक किस्सा बहुत मशहूर है कि कहा जाता है सन 1543 ईस्वी में दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने इस किले पर हवा बोल दिया था, और लगातार 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी वो जो है इस किले पर विजय प्राप्त न कर सका। जब यहाँ के राजा जो है राजा पूरनमल हुआ करते थे, और उन्होंने फिर जब युद्ध वो जीत नहीं पा रहा था तो उन्होंने जो है युद्ध जीतने के लिए राजा के साथ जो है धोखाधड़ी करी और विश्वासघात किया। और कहा जाता है कि उन्होंने इस युद्ध को जीतने के लिए तांबे को सिक्के को गलवा कर तोपे वन भाई जिसके सहारे वो युद्ध जीत सका, और विश्वासघात कर राजा पूरनमल को मारकर वो यहाँ का राजा बन गया और यहाँ पर राज करने लगा। और वैसे तो यहाँ पर कई मुगल शासकों ने और कई अंग्रेजों ने यहाँ पर इस किले पर कई बार आक्रमण किया है, किंतु ये जो किला है आज भी जो का तो खड़ा हुआ है और अपना इतिहास चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। आइए दोस्तों हम उस किले की कुछ जर्जर अवस्था में बनी कुछ महलें और दीवारें उनको बताते हैं। आइए तो दोस्तों सामने जो महल दिख रहा है इसे कोसे मीनार कहा जाता है, जो पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। और दोस्तों ठीक इसके बाजू में ये है पेनिया मंदिर, ये भी पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, पूरा खंडर हो चुका है। तो दोस्तों ये जो सामने आपको एरिया दिख रहा है जो खाली खाली, यहाँ पर जो है स्थानीय लोग यहाँ पर खेती करते किसानी करते अपना गुजारा करने के लिए, देख सकते हैं आप यही पूरा रायसेन है। तो दोस्तों इस किले का एक और इतिहास हम आपको बताते हैं जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कहा जाता है यहाँ के राजा ने अपनी ही रानी का सर धड़ से अपनी ही तलवार से अलग कर दिया था। उस कहानी का सच कुछ इस प्रकार है, जब इस किले के राजा पूरनमल हुआ करते थे तब उनकी रानी रत्नावती हुआ करती थी, जो इस किले की बहुत ही सुंदर रानी हुआ करती थी। तो उसको प्राप्त करने के लिए दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया था, और धोखे का सहारा लेकर उसने इस युद्ध को जीत लिया था। जब राजा को पता चला कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है तो उन्होंने रानी की सुरक्षा के लिए अपनी ही तलवार से अपनी ही रानी का सर धड़ से अलग कर दिया। इस कहानी को सच माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये किला कई बार आक्रमण सेने के बाद भी आज भी जो का तो खड़ा है और अपना इतिहास चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। पर कहा जाए तो ये किला जो है पूरा किला अब जर्जर अवस्था में है। एक सोमेश्वर महादेव मंदिर ही है जो अपनी अवस्था में बिल्कुल सही है, इसलिए हम पुरातत्व विभाग से कहना चाहते हैं कि इस किले की सुरक्षा के लिए कड़े नियम तैयार करने चाहिए तथा इसकी अच्छे से देखरेख करना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और ऐसे कई वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल विलेज यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें।